हेलो स्टूडेंट्स, माइंड सॉल्यूशन और सौरभ सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अब जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो के साथ। तो हम शुरुआत कर रहे हैं रेशियो के साथ। अब रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें से वो दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक ही किस्म की है, यानी कि एक ही टाइप की है। अब रेशियो को लिखते कैसे हैं? रेशियो को या तो हम डिवीजन फॉर्म में, यानी कि x डिवाइडेड बाय y, या फिर एक कोलोन के साथ, यानी कि x इज टू y, इन दोनों फॉर्म्स में लिखते हैं। तो ये जो है इन दोनों तरीके से रेशियो को लिखा जाता है। इसमें जो हमारा x है, यानी कि जो न्यूमरेटर में है या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है या फिर जो हमारे राइट साइड में है, हम इसे कहते हैं कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट। तो यहाँ पे ये जो x है ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट, और ये जो y है ये हो गया हमारा कंसिक्वेंट। और ये जो x और y दोनों है, ये दोनों जो है सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम टाइम को कंसिडर करें, यानी कि समय को कंसिडर करें, तो अगर x हमारा सेकेंड्स में है तो फिर y भी जो है उसे भी सेकेंड्स में ही होना होगा। वो मिनट्स या फिर आवर्स में नहीं हो सकता। अगर x सेकेंड्स में है तो y को भी सेकेंड्स में ही होना होगा, वो मिनट्स या आवर्स में नहीं हो सकता। यानी कि जो रेशियो है उसमें जो दोनों क्वांटिटीज हैं जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, वो दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम टाइप की होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात कर लिया हमने रेशियो की। अब रेशियो जो है वो कई तरीके की होती है, मतलब कि बहुत सारी दूसरी टाइप्स ऑफ रेशियो भी होती है। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रेसिप्रोकल रेशियो या फिर इनवर्स ऑफ अ रेशियो। किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल रेशियो की। तो सपोज जो है हमारे पास एक रेशियो है a बाय b या फिर a इज टू b। अब जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, यानी a बाय b को इन्वर्स किया, तो हमारे पास आ गया b बाय a या फिर b इज टू a। तो यही जो है ये है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ a इज टू b। यानी कि ये जो b इज टू a जो है ये है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ a इज टू b। यानी कि जो हमारा एंटीसीडेंट है वो कंसिक्वेंट में बदल जाएगा और जो कंसिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल रेशियो। यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ a इज टू b इज इक्वल्स टू b इज टू a। अब ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल रेशियो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो जो हम पढ़ेंगे वो है कंपाउंड रेशियो। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड रेशियो। अब सपोज जो है हमारे पास तीन रेशियोज है। पहला है वो है a बाय b या फिर a इज टू b, दूसरा है c बाय d या फिर c इज टू d, और तीसरा है e इज टू f। तो ये तीन रेशियो हो गए। तो हमारा जो कंपाउंड रेशियो होगा, इन तीनों से रिलेटेड जो कंपाउंड रेशियो होगा उनके लिए हम एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम तीनों एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया ए सी ई। और अब हम तीनों जो है कंसिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंसिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी डी एफ। तो यानी कि जो हमारा कंपाउंड रेशियो है वो होगा a into c into e is to b into d into f। तो ये जो हो गया ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। अब नेक्स्ट जो है
वो है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। अब इस डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? इस डुप्लीकेट रेशियो में जो है उसमें रेशियो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर हमारे पास एक रेशियो है a इज टू b, तो वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो गया और हमें मिला a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर है, यही है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। यानी कि जब जो रेशियो जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए, और इसके लिए हमें ऐसे ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर के फॉर्म में मिले, तो ये जो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर जो है ये है डुप्लीकेट रेशियो। यानी कि ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर जो है इट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस a is to b, and ये जो a is to b है ये है sub duplicate ratio। क्या है? sub duplicate ratio, duplicate ratio of हमारा a square is to b square। यानी कि अगर हमारे पास जो है a is to b है, तो उसका sub duplicate ratio होगा रूट ओवर ए इज टू रूट ओवर बी। ये हो जाएगा हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ अ रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रेशियो। अ सब डुप्लीकेट रेशियो होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशियो। क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशियो। तो ये तो हो गया रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एक ही तरीके से अगर हमारे पास एक रेशियो है a इज टू b, अगर वो खुद से ही दो बार मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि वो बन जाए a क्यूब इज टू b क्यूब, तो फिर ये जो है ये है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस a by b और a is to b, और a is to b जो है ये हो जाएगा sub triplicate ratio of thus a cube by b cube। यानी कि a by b का जो sub triplicate ratio होगा वो होगा उसका cube root, और a by b का जो triplicate ratio होगा वो होगा उसका cube। तो ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सपोज हमारे पास एक रेशियो है a इज टू b या फिर a by b। अब ये जो रेशियो है वो है ग्रेटर देन वन, यानी कि हमारा जो a है वो b से बड़ा है, तभी हमारे पास होगा a इज टू b इज ग्रेटर देन वन। यानी कि ये जो रेशियो है वो वन से बड़ी है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे एंटीसिडेंट और जो है हमारे कंसिक्वेंट दोनों में एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऐड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हमारा ए सपोज ये जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है उसे हम मान लेते हैं कि वो है x, ठीक है? तो उसे हमने मान लिया x, तो ये जो a प्लस x इज टू b प्लस x है, या फिर a प्लस x बाई b प्लस x जो है ये होगा a by b से छोटा। यानी कि a plus x by b plus x it would be smaller than a is to b। और अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर को जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि x को जो है
अगर हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो है उसे हम x ही सोच लेते हैं, अगर हम उसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर अगर दोनों ही एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आएगा a माइनस x इज टू b माइनस x, ये जो है ये a इज टू b से बड़ा होगा। क्या होगा? a इज टू b से बड़ा होगा, यानी कि अगर a बाई b का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन वन हो तो a प्लस x इज टू b प्लस x इट वुड बी स्मॉलर देन, यानी कि वो छोटा होगा a इज टू b से। सिमिलरली a माइनस x इज टू b माइनस x, ये वाला जो रेशियो है वो a इज टू b वाले रेशियो से बड़ा होगा। अब ये तो है जब a बाई b या फिर a इज टू b का जो ये रेशियो है वो 1 से बड़ा हो। अब अगर ये रेशियो जो है, यानी कि a इज टू b का जो रेशियो है वो अगर 1 से छोटा हो, तब अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि a प्लस x इज टू b प्लस x, तो इस सिचुएशन में ये जो है हमारे a इज टू b से बड़ा होगा। यानी कि अगर हमारा a जो है, a इज टू b जो है वो 1 से छोटा हो, यानी कि हमारा a जो है वो b से छोटा हो, तब हमारा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में या फिर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों में अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तब जो a प्लस एक्स इज टू b प्लस एक्स है वो a इज टू b से बड़ा होगा। और अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर को जो है उसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में a माइनस एक्स इज टू b माइनस एक्स जो है वो a इज टू b से क्या होगा, वो होगा छोटा। यानी कि a माइनस एक्स इज टू b माइनस एक्स जो है वो a इज टू b से छोटा होगा। यानी कि जब हमारा a इज ग्रेटर देन b, यानी कि हमारा a इज टू b जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, उस वक्त जो है हमारे पास बचेगा a माइनस x बाय b माइनस x, इट वुड बी ग्रेटर देन a इज टू b विच वुड बी ग्रेटर देन a प्लस x इज टू b प्लस x। और जब हमारा b जो है वो a से बड़ा होगा, यानी कि जब b a से ग्रेटर देन होगा, उस वक्त हमारा a बाय b जो है वो 1 से छोटा होगा, और उस वक्त जो है हमारे पास आएगा a प्लस x बाई b प्लस x, ये होगा ग्रेटर देन a इज टू b जो होगा ग्रेटर देन a माइनस x इज टू b माइनस x। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे सम्स जो है वो इस रिलेशन से ही सॉल्व हो सकती है। तो ये दोनों रिलेशन जो है हमारे लिए याद रखना जो है वो ज़रूरी है। पहला क्या है, अगर जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है तो a माइनस एक्स इज टू b माइनस एक्स, ये होगा ग्रेटर देन a इज टू b जो होगा ग्रेटर देन a प्लस b इज टू b प्लस c। और अगर जो है हमारा a इज टू b अगर छोटा हो तो a प्लस b इज टू b प्लस x, a प्लस x इज टू b प्लस x, ये होगा ग्रेटर देन a इज टू b और वो होगा ग्रेटर देन a माइनस एक्स इज टू b माइनस x, जहाँ पे ये x है वो है एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टी है हमारी रेशियो की वो हमें याद रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। अब ये प्रोपोर्शन होता क्या है? सपोज़ हमारे पास दो रेशियोज है, पहला है a by b या फिर a is to b और दूसरा है c is to d, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये दो रेशियोज आ गए। अब अगर ये दोनों रेशियोज जो है वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि वो इक्वल हो, तब हम इसे कहते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? कि दे आर इन प्रोपोर्शन। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं a इज टू b। इस साइन से जो है
ये डबल कोलोन साइन से जो है हम प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं, उसके बाद लिखा C is to D. अब ये जब लिखा तो इसका मतलब है A is to B is in proportion with C is to D. यानी कि A is to B जो है वो in proportion with C is to D. अब इसे कहते हैं proportion. यानी कि जब दो ratios जो है वो जो हो वो सेम हो तब इसे हम कहते हैं कि दे आर इन प्रपोर्शन. यहाँ पर जो है हम अपने ए और डी जो है इन दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम्स. इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम्स और जो हमारा बी और सी जो है, ये जो हमारा बी और सी है इन्हें हम कहते हैं मीन्स. यानी कि जो पहले वाले प्रपोर्शन का एंटीसिडेंट और दूसरे वाले प्रपोर्शन के कंसिक्वेंट को कहेंगे हम एक्सट्रीम्स, और जो पहले वाला प्रपोर्शन जो है उसका कंसिक्वेंट और दूसरे वाले प्रपोर्शन का जो एंटीसिडेंट है उन्हें हम कहेंगे मीन्स. यानी कि देखिए, अगर हमारे पास दो रेशियो हो जैसे कि 5:10 दिस इज इक्वल्स टू 6:12, तो यहाँ पे हमारा 5 और 12 जो है ये दोनों होंगे हमारी एक्सट्रीम्स होंगे ये दोनों, और ये जो हमारा 10 और 6 है ये दोनों होंगी हमारी मीन्स. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, वो क्या है? वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी कि एक्सट्रीम और मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. यानी कि अगर हम इसे हमारे एग्जाम्पल से क्रॉस चेक करें तो हमारे पास आएगा 5:12 जो कि है इक्वल्स टू 60 जो कि है इक्वल्स टू 10:6. तो हमने देखा कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम आएगी? अब सपोज जो है हमारे को एक रेशियो दे दिया गया है सपोज 5:13 और दूसरा रेशियो जो है वो बोल दिया गया है 8:26 ये बोल दिया गया है. यानी हमें क्या बोला गया है? हमें 5:13 बोला है और दूसरा रेशियो जो है वो बोला है 8:26 और हमें बोला गया है कि ये दोनों जो है These ratios are in proportion or they are in proportion और हमें a की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लेंगे. यानी हमने ले लिया 5:26 जो होगा इक्वल्स टू 13:a के बराबर. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू होगी 10. तो इस तरह से ये जो हमारी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये इस तरह से काम में आ सकती है. तो हमने क्या सीखा? प्रोपोर्शन कब होता है? जब दो रेशियोज जो है वो इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन. जो हमारा जो एक्स ये हमारे यहाँ पे जो ए और डी है यानी कि पहला वाला रेशियो का जो है एंटीसिडेंट और दूसरे वाले रेशियो का कंसिक्वेंट इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और पहले वाले रेशियो के कंसिक्वेंट और दूसरे वाले रेशियो के एंटीसिडेंट को हम कहते हैं मीन्स, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है वो होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर. अब हम जाते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ. अब अगर हमें बोला गया है कि हमारा जो a:b है वो है इक्वल्स टू c:d, तो इसका मतलब अगर हम दोनों ही साइड को अगर हम इन्वर्स कर ले यानी कि उलट दे तो हमें मिलेगा b/a = d/c.
तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी कि अगर दो रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन तो उनका रेसिप्रोकल, उन दोनों के जो है वो रेसिप्रोकल रेशियोज भी होंगे. सो उन दोनों के जो रेसिप्रोकल रेशियो है, रेसिप्रोकल रेशियो विल ऑल्सो बी इन प्रोपोर्शन. रेसिप्रोकल रेशियोज विल ऑल्सो बी इन प्रोपोर्शन. बी इन प्रोपोर्शन. तो ये हो गया कि अगर A is to B और A is to B और C is to B, इन दोनों रेशियोज जो है ये इन प्रपोर्शन है, तो फिर जो है B is to A और D is to C, ये दोनों रेशियोज यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल रेशियोज भी प्रपोर्शन में होगी. अब जो है हम B और C को जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि A is to C is in proportion with B is to D, यानी कि A is to C is equals to B is to D, यानी कि A is to C is in proportion with B is to D. और similarly हम कह सकते हैं कि C is to A is in proportion with D is to B. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो है हमारी A और D जो है वो एक्सट्रीम से बन गई मीन्स, और C और B जो है वो मीन से बन गई एक्सट्रीम. लेकिन जो है हम ये भी कह सकते हैं कि A is to C is equals to B is to D, या फिर C is to A this is in proportion to D is to B, तो ये भी हम कह सकते हैं. अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है वो है A is to B is equals to C is to D. अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, यानी अगर दोनों ही साइड में हमने प्लस वन कर दिया तो फिर हमें जो वैल्यूज जो है वो इक्वली मिलेगी. तो हम ये कह सकते हैं A प्लस बी इज टू बी ये है इक्वल्स टू C प्लस डी इज टू डी. ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, A प्लस बी इज टू बी दिस इज इक्वल्स टू, या फिर ये है इक्वल टू C प्लस डी इज टू डी. अब इसे जो है हम कहते हैं, इसे जो है हम कॉम्पोनेंडो कहते भी, कॉम्पोनेंडो कह के भी रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर यहाँ पे प्लस के जगह अगर हम माइनस वन करते हैं, यानी कि A is to B माइनस वन, और सो A is to B माइनस वन ये हो जाएगा इक्वल्स टू C is to D माइनस वन. तो यहाँ से हमें मिलेगा A माइनस B is to B ये है equals to C minus D is to D. तो A हो गया by dividendo. तो फिर हमें by componendo dividendo से हमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा वो है A plus B is to A minus B, ये होगा इक्वल्स टू C प्लस डी इज टू C माइनस डी. तो फिर अगर A इज टू B इज इक्वल्स टू C इज टू D, यानी कि जो दो रेशियोज है हमारी वैल्यू A इज टू B और C इज टू D, ये दोनों अगर रेशियो है इक्वल्स टू, ये दोनों रेशियो अगर इन प्रपोर्शन हो, तो फिर हम बाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कह सकते हैं कि A प्लस B इज टू A माइनस B ये है इक्वल्स टू C प्लस डी इज टू C माइनस डी. तो ये है हमें मिलना है बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अब नेक्स्ट हम जाते हैं कंटिन्यूस प्रपोर्शन की तरफ, या फिर कंटिन्यूड प्रपोर्शन की तरफ. कहाँ जा रहे हैं हम, कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अब अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज है A, B और C, और ये जो तीनों क्वांटिटीज़ है ये तीनों क्वांटिटीज़ सेम
अमाउंट सेम टाइप की है, यानी कि ये तीनों क्वांटिटीज की जो टाइप है वो सेम है। यानी अगर हम मैं लेंथ की बात करूँ तो तीनों मीटर्स है, या फिर तीनों किलोमीटर्स है, या फिर तीनों सेंटीमीटर्स है, ऐसे। तो अगर ये तीनों जो है वो सेम टाइप की है तो फिर इसे हम कहेंगे दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यानी कि ए बी और सी ये लोग है इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रपोर्शन इफ ए इज टू बी जो है वो हो इक्वल्स टू बी इज टू सी के। यानी कि इफ ए इज टू बी इज प्रपोर्शन टू बी इज टू सी, अगर ये हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारा ए बी और सी ये तीनों जो है वो है दे आर इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये कह दिया कि ये है इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। अब जो है इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन को हम निकालेंगे कैसे, यानी कि सपोज जो है, तो हमने पढ़ा कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में कि अगर ए बी और सी अगर तीन एक ही टाइप की क्वांटिटीज है तो उन्हें हम कहेंगे कि वो है इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन अगर ए इज टू बी जो है वो हो इन प्रपोर्शन विद बी इज टू सी, यानी कि ए इज टू बी जो हो वो इक्वल टू बी इज टू सी। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है रिलेटिंग टू और मोर प्रपोर्शन। तो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है रिलेटिंग टू और मोर प्रपोर्शंस। अब सपोज कीजिए हमारे पास जो है दो प्रपोर्शंस है, पहला है a इज टू b जो कि है प्रपोर्शनल टू x इज टू y, और दूसरा है b इज टू c जो कि है प्रपोर्शनल टू p इज टू q। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं a इज टू b इज टू c जो कि होगा प्रपोर्शनल टू सबसे पहले xp, यानी कि जो दोनों रेशियोज है उनके जो एंटीसिडेंट यानी कि न्यूमरेटर्स है वो इज टू पी वाई, यानी कि जो पहला वाला रेशियो का कंसिक्वेंट या फिर डिनोमिनेटर और दूसरा वाला रेशियो का एंटीसिडेंट यानी कि न्यूमरेटर। तो xp इज टू पी वाई इज टू वाई क्यू, यानी कि जो दोनों रेशियोज है उनके कंसिक्वेंट या फिर डिनोमिनेटर। तो ये तो हुआ जब हमारे पास दो रेशियोज है, मतलब अगर हमारे पास ए इज टू बी और ओ बी इज टू सी तो हम कह सकते हैं दिस वो हो ए इज टू बी इज टू सी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पी पी वाई और वाई क्यू। अब सपोज हमारे पास तीन प्रपोर्शन है, जैसे कि सपोज हमारे पास तीन प्रपोर्शन है, पहला है ए इज टू बी जो कि है प्रपोर्शनल टू फिर से सपोज एक्स इज टू वाई, दूसरा है बी इज टू सी जो कि है प्रपोर्शनल टू पहले की ही तरह हम इस बार लिखेंगे क्या लिखेंगे पी इज टू क्यू, और तीसरा है सी इज टू डी जो कि है प्रपोर्शनल टू से एम इज टू एल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं a is to b is to c is to d ये होगा proportion to सबसे पहले xpm यानी कि जो तीनों ratios है तीनों के numerator या फिर antecedent, उसके बाद जो है वो होगा m p y। क्या m p y यानी कि जो second और third है उन दोनों के antecedent यानी कि न्यूमरेटर और पहले वाले का कंसिक्वेंट यानी कि डिनोमिनेटर, उसके बाद है इज टू वाई क्यू एम यानी कि पहले के दो जो रेशियोज है उनके जो है कंसिक्वेंट या फिर डिनोमिनेटर्स और तीसरे वाले का एंटीसिडेंट यानी कि न्यूमरेटर। तो सेकेंड में इसके बाद हो गया वाई क्यू एम और वो है इज टू एन क्यू वाई एन क्यू वाई यानी कि। तो हमने सीखा कि अगर हमारे पास
तीन प्रोपोर्शनल्स है, जैसे कि ए इज़ टू बी जो है, ए इज़ टू बी जो है वो है प्रोपोर्शनल टू एक्स इज़ टू वाई, बी इज़ टू सी है प्रोपोर्शनल टू पी इज़ टू क्यू, एंड सी इज़ टू डी जो है वो है प्रोपोर्शनल टू एम इज़ टू एन. जब ऐसा सिचुएशन है तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी ये है प्रोपोर्शनल टू एक्स इंटू पी इंटू एम, यानी कि जो तीनों न्यूमरेटर्स या तीनों एंटीसिडेंट्स है उनका प्रोडक्ट इज टू एम इज इंटू पी इंटू वाई, यानी कि जो पहला वाला जो रेशियो है उसका डिनोमिनेटर या फिर कंसिक्वेंट और पहले दो बाकी के दोनों के न्यूमरेटर यानी कि एंटीसिडेंट इज टू वाई इंटू पी क्यू इंटू एम, यानी कि जो पहला और दूसरा रेशियो है उनके डिनोमिनेटर या फिर कंसिक्वेंट और पहला वाला तीसरा वाला रेशियो जो है उसका एंटीसिडेंट यानी कि न्यूमरेटर और इज टू एन क्यू वाई जो कि है इन तीनों का डिनोमिनेटर या फिर कंसिक्वेंट. तो अब तो हमने सीखा, ये तो हमने सीखा रिलेशन और जॉइनिंग ऑफ टू और मोर प्रोपोर्शंस, मतलब कैसे दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस को हम इकट्ठे एक साथ लिख रहे हैं. अब नेक्स्ट जो है, जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो दो टर्म्स काफ़ी बार हमें सुनना पड़ता है. पहला जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, और दूसरा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है? अब सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है, क्या है दो वेरिएबल्स है, सपोज एक्स और वाई हमारे जो है ये दो वेरिएबल्स है, और देखा गया है कि जब 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 x की y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. मतलब सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y, और उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिस वजह से अगर y की वैल्यू इंक्रीज होती है तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि जब y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तब x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. अब ये जो है ये है टाइम और डिस्टेंस. एग्जांपल ले सकते हैं, वो ये है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर हम स्पीड को कांस्टेंट मान ले तो, यानी कि अगर एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में बढ़ रही है तो वो जितना ज़्यादा टाइम तक वो गाड़ी चलेगी उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगी. तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा जब हमारा कोई वेरिएबल है सपोज वाई, वो हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि जब वाई की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, जब एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तब वाई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जब एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब वाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी. यानी कि इसका एक एग्जांपल जो है वो है स्पीड और टाइम. यानी कि अगर हम डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट कर ले, यानी कि जो हमें डिस्टेंस या फिर जो फासला हमें तय करना है अगर हम उसको कांस्टेंट कर ले यानी कि फिक्स कर ले, तो हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. यानी कि अगर स्पीड हमारी स्पीड बढ़ेगी तो हमें टाइम कम लगेगा, और अगर हमारी स्पीड घट जाएगी तो हमें वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घटेगी. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन के भी काफ़ी सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं.
हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए इनको और सीखेंगे. अब एक तरह का क्वेश्चन जो और होता है आता है हमारे एग्जाम्स में जो कि रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, वो है कि सपोज ए और बी जो है दोनों ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसमें ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है इन द रेशियो ऑफ से 4:5, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है इस रेशियो में. यानी कि अगर पूरा अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम 9 हिस्सों में डिवाइड करें पूरे इन्वेस्टमेंट को, तो ये 9 हिस्सों में से जो 4 हिस्सा होगा, जो 9 हिस्सों में से ये 4 हिस्सा है, ये 4 हिस्सा हुआ ए का, और जो बचे 5 हिस्से हैं और ये जो बाकी के 5 हिस्से होंगे वो हिस्सा होगा बी का, जिसमें ये जो ए हर एक पार्ट है वो पार्ट्स इक्वल होंगे. तो यानी कि अगर हम पूरे इन्वेस्टमेंट को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इन 9 इक्वल पार्ट्स में से 4 पार्ट्स का इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी ए की, और जो बचे हुए 5 पार्ट की इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी बी की. तो इसी तरह अगर बोल दिया गया है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो है ए इज टू बी, और सपोज जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है पी, यानी कि जो मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है वो है पी. अब जाहिर सी बात है कि अगर बी ने इन्वेस्ट ज़्यादा किया है तो बी को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मिलना चाहिए, और ए जिसने इन्वेस्ट कम किया है उसको जो पूरे मुनाफे में से जो हिस्सा है उसको वो कम मिलना चाहिए. तो ए और बी को हिस्सा कितना मिलेगा? तो इसका फॉर्मूला है, जैसे कि अगर ये ए इज़ टू बी है, अगर ए और बी का जो शेयर्स का हिस्सा, तो ए का जो शेयर होगा यानी कि ए को जो पी में से जो प्रॉफिट, पूरे प्रॉफिट पी में से जो हिस्सा मिलेगा वो होगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू पी. तो ये हो गया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू पी, और बी का शेयर होगा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू पी. तो आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों शेयर्स को ऐड करें तो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ए प्लस बी कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ पी बचेगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ए प्लस बी कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ पी बचेगा. उसी तरह सपोज जो है 3 इन्वेस्टर्स है, यानी या फिर कहे 3 पार्टनर्स है, से ए बी और सी, ऐसे 3 पार्टनर्स है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो है ए इज टू बी इज टू सी. अगर ऐसा होगा तो फिर अगर टोटल प्रॉफिट सपोज दोबारा से पी हो रहा है तो ए का जो शेयर होगा वो होगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी, बी का शेयर होगा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस बी का शेयर होगा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी, और सी का शेयर होगा सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी. तो ये होगा इन तीनों का शेयर. तो ये तो हमने सीख लिया अगर पार्टनरशिप हो तो फिर अगर ये तीनों का एक पर्टिकुलर रेशियो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से जो टोटल प्रॉफिट होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये हमने सीख लिया. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम जो है अपने इस रेशियो और प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा बेटर करेंगे. अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो है एक बैग है जिसमें 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के जो है कॉइन्स है. तुम्हारे पास 25 पैसे के कॉइन्स है, 10 पैसे की कॉइन्स है और 5 पैसे की कॉइन्स है, लेकिन ये तीनों कॉइन्स कितने नंबर में है, यानी कि कितने सारे 25 पैसे के कॉइन्स है, कितने सारे 10 पैसे के कॉइन्स है, ये हमें ये जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में है. वो क्या है रेशियो? वो है 1:2:3, यानी 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के जो कॉइन्स है वो 1:2:3 के रेशियो में है. यानी अगर हम सोच लें कि हमारे पास 60 कॉइन्स है तो फिर जो है 10 कॉइन्स होंगे
25 पैसे के 20 कॉइंस होंगे, 10 पैसे के और 30 कॉइंस होंगे 5 पैसे की। तो इस तरह से जो है वो रेशियो होंगे 10, 20 और 30 की। लेकिन यहाँ पे तो हम अभी हमें पता तो नहीं है कि हमारे पास 60 कॉइंस है या कितने कॉइंस है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो है, हमारे पास जो है 6x नंबर ऑफ कॉइंस है। कितने हैं? 6x नंबर ऑफ कॉइंस है, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइंस जो हमारे पास है वो है 6x। तो मतलब कि 25 पैसे के कॉइंस होंगे x, 10 पैसे के होंगे 2x और 5 पैसे के होंगे 3x कॉइंस, क्योंकि टोटल हमारे पास 6x कॉइंस है। तो अब जो है हमें बोल दिया गया है कि जो टोटल वैल्यू है इस बैग की, मतलब कि इन सारे पैसों का अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो वो होगा 30 रुपये। तो अब हमें 30 रुपये, यानी कि अब देखिए 1 रुपये जो है, 1 रुपये जो है वो होता है 100 पैसा, यानी कि 30 रुपये होगा 3000 पैसे। तो यानी कि हमारे पास जो है 3000 पैसे है इस पूरे बैग में। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो, अब देखिए हमारे पास x जो है वो 25 पैसे के कॉइन जो x है, तो यानी कि ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × x पैसे हो जाएंगे। ये पूरा अगर हम x 25 पैसे के कॉइन्स के वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 25x, प्लस यहाँ पे जो है 10 कॉइन से हमारे पास 2x नंबर ऑफ कॉइन से हमारे 10 पैसे के, तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 20x, और जो 3x कॉइन्स है हमारे पास 5 पैसे की, उसकी टोटल वैल्यू होगी हमारी 15x, यानी कि 25x प्लस 20x प्लस 15x, ये होगा हमारा 3000। क्योंकि ये जो पूरे जो बैग की जो वैल्यू है वो है 30 रुपये, यानी कि 3000 पैसे। तो अब इन तीनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 060। तो यहाँ पर जो है हमें मिला 60, यानी कि 60x इज इक्वल्स टू 3000, यानी कि यहाँ से जो है हमें x की वैल्यू जो मिलती है वो है, x की वैल्यू मिलती है हमें 50, यानी x इज इक्वल्स टू 50, यानी कि हमारे पास जो है 25 पैसे के कॉइन्स है 100, क्योंकि 2 × x मतलब 2 × 50 100, 10 पैसे के कॉइन्स है, और 150 जो है, 150 कॉइन्स है हमारे 5 पैसे की। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें बताना है कि नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन। तो इसे सॉल्व करके हमें पता चला है कि 150 कॉइन्स है 5 पैसे की, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 कॉइन्स है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज बी एंड रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज जी, तो फिर बी प्लस जी क्या होगा। यानी कि अगर सपोज बी नंबर ऑफ बॉयज़ है और जी है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो फिर रेशियो क्या होगा, बी बाई जी, ये होगा रेशियो ऑफ बॉय इज टू गर्ल, जो वैल्यू है हमारी इक्वल्स टू बी, और जी बाई बी होगा रेशियो ऑफ गर्ल टू बॉय, जो है डिनोट किया गया है हमें जी से। अब देखिए रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो अगर ये है नंबर ऑफ बॉयज़ को अगर हम लिखते हैं स्मॉल बी से, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसे हम लिखते हैं स्मॉल जी से, तो बी हो जाएगा जो कि है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, वो हो जाएगा स्मॉल बी बाई स्मॉल जी, और जी जो है जो कि है रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, वो हो जाएगा स्मॉल जी बाई स्मॉल बी। अब अगर हम बी प्लस जी ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से बी जी प्लस जी बाई बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा हमारा बी जी, और न्यूमरेटर में आएगा बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर।
तो हम यहाँ से इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि b square plus g square minus 2bg plus 2bg, यहाँ पे मतलब हमने 2bg को add और subtract कर लिया और denominator तो हमारा same ही है. तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ये है equals to b minus g का whole square plus 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा bg, क्योंकि यहाँ पे bg bg कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 2 plus b minus g का whole square divided by bg. अब ये वाली जो टर्म है, ये तो क्योंकि हमारी bg दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों ही पॉजिटिव ही होंगे. अब नेगेटिव नंबर ऑफ बॉयज या नेगेटिव नंबर ऑफ गर्ल्स तो हो नहीं सकती, तो बी जी पॉजिटिव है तो बी इंटू जी भी पॉजिटिव होगी, और क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर क्वांटिटी है, तो हमें पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है. तो ये वाला हिस्सा जो है ये है पॉजिटिव, यानी कि जो टोटल बी प्लस जी है ये 2 से बड़ा है. ये जो भी होगा ये 2 से बड़ा ही होगा, यानी कि अगर हम हमारे ऑप्शंस में जाते हैं इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें हमारा ग्रेटर देन 1 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो कोई नंबर अगर 2 से बड़ा है तो वो नंबर 1 से बड़ा तो होगा ही. तो यानी जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ग्रेटर देन 1. यानी कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल और रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा ग्रेटर देन 1. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल दिया गया है कि अ पैकेट कंटेन्स अ डजन ग्लास. इफ अ पैकेट कंटेनिंग अ डजन ग्लासेस इज ड्रॉप्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन ग्लासेस टू अनब्रोकन ग्लासेस. यानी सपोज हमारे पास एक पैकेट है जिसमें जो है बहुत सारी जो है ग्लासेस रखी हुई थी. तो हमारे जो पैकेट है उसमें बहुत सारी ग्लासेस रखी हुई थी और ये जो पैकेट है ये गिर गया. तो गिरने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी ग्लासेस टूट गई और बहुत सारी ग्लासेस जो है वो नहीं टूटी. तो इनमें से कौन सा कैनॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन ग्लासेस टू अनब्रोकन ग्लासेस, मतलब इनमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता ब्रोकन ग्लासेस इज टू अनब्रोकन ग्लासेस, है ना. अब देखिए यहाँ पर जो है हमें बोल दिया है कि डजन ग्लासेस है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस है वो बोल दिया है कि 12 नंबर ऑफ ग्लासेस है, क्योंकि अ डजन मतलब होता है 12. मतलब जो भी रेशियो होगा उस उन दोनों रेशियोज को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 12, उसका कोई एक मल्टीपल 12 होना ही चाहिए. यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो किसी भी तरह 12 होना ही चाहिए. अब देखिए हम अगर पहले वाले में जाते जो कि है 3:1 में जाते, तो अगर हमारे पास जो है 9 ग्लासेस जो है वो ब्रेक हो गई और 3 ग्लासेस जो है वो अनब्रोकन रह गई, तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:1, क्योंकि 9 जो है वो है 3:3 और टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस 12 है जो कि है एक डजन. तो ये वाला जो रेशियो है वो हो सकता है. सिमिलरली अगर हम इस रेशियो में जाते हैं, ये है 4:2. अगर हमारे पास 8 ग्लासेस टूट गई और 4 ग्लासेस नहीं टूटी, तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस एक डजन हो गई और 8:4 जो है वो है 4:2. सिमिलरली जो है 5:7 जो कि जिसका सम होता है 12, यानी कि अगर 5 ग्लासेस टूट सकती है और 7 ग्लासेस नहीं टूट सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्लास सिर्फ टूटी और 10 ग्लास जो है वो अनब्रोकन रह गई. यानी इनमें से सारी जो रेशियोज है ये अटेन कर सकती है. बस ये वाला जो रेशियो है 6:1 का, ये वाला रेशियो ये अटेन कर नहीं सकती, क्योंकि अगर 6 ग्लासेस टूटी और 6 ग्लासेस ब्रोक हुई और 1 ग्लास अनब्रोकन रह गई, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लास जो है वो हो गया 7. यानी बाकी के 5 ग्लासेस के साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता. सिमिलरली अगर हम 12 ग्लासेस ये टूट गई
तो और टू ग्लासेस अनब्रोकन रह गई, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो 14 बन गई, जबकि हमारे पास सिर्फ एक डजन ग्लासेस ही हैं। तो जो वाली रेशियो जो करेक्ट नहीं होगी वो होगी बी, यानी हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो दोनों जो रेशियोज हैं उनको ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे 3+1 कर दिया 4 हो गया, 4+2 जो है ये 6 हो गया, 5+7 जो है ये 12 हो गया, और 1+5 जो है ये हो गया 6। अब देख, और ये 6+1 है 7। अब इसमें देखिए 4, 6, 12 और 6, ये सब जो है वो 12 का एक फैक्टर्स है, यानी अगर इन रेशियोज में वो टूट रहा है तो फिर जो है हम टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास अ डजन है ना, तो अगर हमारे रेशियोज का जो सम होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का जो सम होगा, वो अगर एक फैक्टर हुआ हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस का, तो उस तरह से वो रेशियो जो है वो सही रेशियो है। पर अगर जो सम रेशियोज के जो दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या एंटीसीडेंट या और कंसिक्वेंट के जो सम है वो अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस जो कि 12 है उसका फैक्टर नहीं होता है, तो फिर वो जो रेशियो है वो अटेनेबल नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए बी और सी जो उन्होंने टुगेदर अर्न किया है 1450, है ना। तो इन तीनों ने जो टुगेदर अर्न जो रुपीज किए हैं वो है 1450, और ए ने जो है अपना जो हिस्सा है उस हिस्से में से 60% स्पेंड कर दिया, बी ने जो है उसने 65% स्पेंड किया, और सी ने जो है वो 70% स्पेंड किया। तो अब अगर उनकी सेविंग्स जो है वो है 14:21:15 के रेशियो में, तो फिर जो उन बी की ओवरऑल सैलरी हमें पता करनी है। अब देखिए, हम सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए ने जो है अपनी सैलरी में से 60% जो है वो खर्च कर दी है, है ना। तो 60% उसने स्पेंड कर दी है, तो यानी उसने 40% जो है अपनी सैलरी की सेव की है। क्या की है उसने, 40% अपनी सैलरी की सेव की है, यानी कि जो 40% की जो सैलरी है अपनी वो सेव कर दी। सिमिलरली जो बी ने, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सेविंग जो है, ए की सेविंग जो है वो है 40 by 100, 40%, यानी कि 40 by 100 ऑफ उसकी सैलरी ऑफ ए, यानी कि सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए जो है वो है इक्वल्स टू 100 by 40 ऑफ 100 by 40 इंटू सेविंग। क्या है, सैलरी ऑफ ए जो है वो है 100 by 40 इंटू सेविंग। सिमिलरली अगर हम कहते हैं, सिमिलरली जो हमें मिलेगा सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ बी जो होगा वो होगा, अब देखिए बी ने अगर 65% स्पेंड किया है तो मतलब उसने 35% जो है उसने सेव किया है, यानी बी की जो सैलरी होगी वो होगी 100 by 35 इंटू सेविंग। ये हो गई, ये है सेविंग ऑफ ए, ये है सेविंग ऑफ बी, और सिमिलरली सैलरी ऑफ सी होगी 100 by 30 इंटू सेविंग ऑफ सी। ये हो गई। अब बोल दिया है कि इन तीनों का जो सेविंग्स है वो है रेशियो 14:21:15। क्या है रेशियो में, 14:21:15, यानी कि हम यहाँ पे सेविंग ए के जगह लिख सकते हैं 14x, सेविंग बी के जगह लिख सकते हैं हम 21x,
और सेविंग सी के जगह लिख सकते हैं हम 15x। तो ये हमने लिख दिया क्योंकि जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन जो है 14:21:15 है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि सेविंग ऑफ ए है 14x, सेविंग ऑफ बी है 21x और सेविंग ऑफ सी जो है वो है 15x। तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों का जो ओवरऑल सैलरी है वो है 1450। कितना है? 1450। यानी हम कह सकते हैं कि 4 by 10 into 14x plus 10 by 4, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे वाला होगा तो यहाँ पे 4 by 10 नहीं 10 by 4 आएगा, 40 लिख देते हैं क्योंकि सब फिर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा, तो 40 लिख देते हैं। तो फिर नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। एनीवेज 100 by 40 into 40x प्लस 100 by 35 into 21x प्लस 100 by 30 into 15x, ये होगा इक्वल्स टू कितनी है हमारी टोटल, टोटल वैल्यू जो है वो है 1450। तो ये है इक्वल्स टू 1450। तो हम एक काम करते हैं, हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, तो यहाँ पे 5 आया, यानी कि 35x प्लस, अब ये 20 ये कटेगा 7 5 जा, ये कट गया 7 3 जा, यहाँ से आ गया 20, यानी कि 60x प्लस, यहाँ पे ये कट के हुआ 2, तो यहाँ पे 50 प्लस 50x, ये है इक्वल्स टू 1450। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 6 और 5 मिला के 11 12 13 14, यानी कि 145x इक्वल्स टू 1450, यानी x की वैल्यू जो है वो हो गई 10। अब जो है हमें b की सैलरी निकालनी है। b की सैलरी क्या थी? b की सैलरी थी 100 बाई, b की जो सैलरी थी वो थी 100 बाई 35 इंटू 21x और x की वैल्यू क्योंकि 10 है तो यहाँ पे 210 लिख दिया। तो अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आया 20, यानी कि 600, यानी कि हम कह सकते हैं कि सैलरी ऑफ b जो है वो है ₹600, यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है वहाँ पे दिया हुआ है कि डिवाइड ₹800, मतलब ₹800 को हमें ए बी और सी में डिवाइड करना है सो दैट ₹36 मोर देन 4/15 ऑफ ए'ज शेयर, यानी कि अगर ए का शेयर सपोज ए है तो उसका 4/15 हिस्सा के साथ अगर हम प्लस कर देते हैं 36 ये, और ₹50 लेस देन 5/12 ऑफ बी शेयर, यानी कि अगर हम सोच ले बी का शेयर है बी, तो यानी कि 5/12 ऑफ बी माइनस 50 एंड 10 मोर देन 9/20 ऑफ सी शेयर, अगर सी की शेयर हम मान लेते हैं स्मॉल सी, तो 9/20 ऑफ सी शेयर प्लस 10, ये तीनों जो अमाउंट है ये तीनों अमाउंट इक्वल है। क्या है? ये तीनों अमाउंट जो है ये तीनों अमाउंट इक्वल है। तो हमें जो है B की ओवरऑल शेयर, मतलब ₹800 में B का शेयर कितना है वो निकालना है। तो अब चलिए हम पहले वाले से शुरू करते हैं, यानी कि हम शुरू करते हैं पहला और दूसरे को इक्वेट करते हैं, यानी कि 4/15 ऑफ A प्लस 35, ये है इक्वल्स टू 5/12 ऑफ B माइनस
जो है वो है 50. अब ये आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4/15, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 4/15 ऑफ ए प्लस, यहाँ पे अगर 5 आ गया तो प्लस 85 इज इक्वल्स टू 5/12 ऑफ बी, यानी कि 4/15 ऑफ 85 जो है वो है प्लस 4/15 ऑफ ए प्लस 85 जो है वो है इक्वल्स टू 5/12 ऑफ बी. तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. यहाँ पर जो है क्वेश्चन में 36 या मैंने 35 लिख दिया, तो चलिए करेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे 36 होगा, तो यहाँ पर भी होगा 4/15 ए प्लस 36, और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर होगा 86. तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ए जो है वो है इक्वल्स टू 15 × 5 जो कि है 75 बाई 12 × 4 जो है वो है 48. सो 75/48 बी माइनस 15/4 × 86. तो ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी. अब सिमिलरली अगर हम ये सेकेंड और थर्ड को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5/12b माइनस 50. 5/12b माइनस 50 ये है इक्वल्स टू 9/20c + 10. 9/20c + 10 यानी कि c जो है उसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 20 × 5 हो गया 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 × 8 जो है वो हो जाएगा 108 यानी 100/108 बी माइनस जो है 50, यहाँ पर ये प्लस है तो 50 + 10 हो जाएगा 60, तो -60 × 20/9. तो सी की वैल्यू हो गई ये. अब जो है ये हो गया ए का शेयर, ये हो गया सी का शेयर, और बी का शेयर अगर हम बी के ही टर्म्स में लिखेंगे तब ये बोल दिया है कि हमें रुपीज 100 को जो है इन तीनों में डिवाइड हुआ है, यानी कि जो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 800. यानी अगर हम ए की वैल्यू की जगह ये और सी की वैल्यू की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा, यानी कि 75/48 बी माइनस, अब देखिए ये हो गया 15/4 × 86 प्लस बी प्लस फिर से 100/108 बी माइनस हो गया 1200/9. ठीक है, ये है इक्वल्स टू 800. अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है शेयर ऑफ बी. तो इसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगी आंसर बी की शेयर कितनी है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास बी के लिए डिनोमिनेटर में आएगा 432 जो कि होगा 9 12 into, ये तो है 12 × 9 और ये है 12 × 4. तो फिर यहाँ से आ जाएगा ये 12 × 4 × 9 जो कि है 432. अब यहाँ पे जो है वो आएगा 75 × 9, तो 75 × 9 जो है वो हो जाएगा 625. 75 × 9 जो है वो है 675. तो यहाँ पे आ गया 75 × 9 हो गया 675.
प्लस यहाँ पे जो है नॉर्मल बी के लिए तो होगा 432 ही ऐड होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अगर 3 से यहाँ पे जो 108 है मतलब इसके साथ तो इंटू 4 हो रहा है यानी कि प्लस 400 प्लस 400, तो ये हो गया दिस मच अमाउंट ऑफ बी, ये है इक्वल्स टू। अब इधर जो है 8 9 और 4 है यानी 9 4 जा मैंने 36 रख दिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे करना है एक सेकेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको 15 इंटू 86 निकालते हैं, 15 इंटू 86 जो है वो है इक्वल्स टू, तो 15 इंटू 86 इंटू जब 9 करेंगे तो 15 इंटू 86 इंटू 9 15 इंटू 86 इंटू 9 जो है वो है 11610, तो यहाँ पे ले आते हैं 11610, इसके साथ ऐड करेंगे यहाँ पे जो है वो है 800 इंटू 36 यानी कि 36 इंटू 8। अब ये 800 इंटू 36 जो है वो हो जाएगा 28800 प्लस, अब यहाँ पर जो है 9 के साथ इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो यानी कि 1200 के साथ भी हमें इंटू 4 मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हो जाएगा 48000। तो ये आ जाएगा इसके साथ भी हमने, तो अब जो है दोनों साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें मिला 1507/432b, ये है इक्वल्स टू 45210/36। अब देखिए यहाँ पे 36 जो है ये जो है वह है 9 इंटू 4 इंटू 12 यहाँ पे 9 4 का होता है 36, तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो बचेगा जो है वह बचेगा 12, ये डिनोमिनेटर्स को जब कट करेंगे तो बचा 12। अब देखते हैं अगर हम 1507 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें तो अब अगर हम 1507 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 45210, यानी कि जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा 30, क्योंकि जब 1507 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4521, तो यानी कि यहाँ पे कैंसिल आउट होकर यहाँ आएगा 30, तो यानी हमारी जो बी की वैल्यू है वो है 30 इंटू 12 जो कि है इक्वल्स टू 360, यानी कि इन सब में जो बी का शेयर होगा वो होगा 360, यानी इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 23, 30, 57 and 78 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल, यानी कि जो है वो सारे नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल बन जाए। तो यानी सपोज हम कर लेते हैं कि x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सबसे सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल, यानी कि 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 30 माइनस x ये है इक्वल्स टू 57 माइनस x डिवाइडेड बाय 78 माइनस x। अब एक काम करते हैं इस x की वैल्यू में हम इन चारों ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं और देखते हैं कौन से ऑप्शन के लिए जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर करेक्ट होगा। अब सबसे पहले 5 डाल के देखते हैं तो 23 माइनस 5 जो है वो है 18 और 30 माइनस 5 जो है वो है 25 यानी 18 बाय 25 और हमारा ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में है 57 माइनस 5 यानी कि 52 और 78 माइनस 5 जो है वो है 73, तो 73 हुआ। तो 18 बाय 25 और 52 ये जो है इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, 5 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम नेक्स्ट 3 डाल के देखते हैं यानी 23 माइनस 3 हो गया 20 और 30 माइनस 3 अगर हम करते हैं 30 माइनस 3 होगा 20
7, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड होगा 57 माइनस 3 है 54, और 78 माइनस 3 है 75. ये प्रपोर्शंस भी इक्वल नहीं हो रही है, यानी बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. अब नेक्स्ट में जाते जो कि है 6. अब 23 माइनस 6 जो है ये हो जाए 17, और 30 माइनस 6 जो है ये हो गया 24, यानी कि 17 बाई 24. अब 57 माइनस 6 जो है वो हो गया 51, और 78 माइनस 6 जो है वो हो गया 72. अब ये प्रपोर्शन इक्वल है क्योंकि 17 इंटू 3 होता है इक्वल्स टू 51, और 24 इंटू 3 होता है इक्वल्स टू 72. यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब यहाँ पे जो है वो है, वन ईयर एगो द रेशियो बिटवीन महेशस एंड सुरेश सैलरी वर्स 3:5. यानी कि अगर महेश की सैलरी होगी 3x तो सुरेश की सैलरी हो गई होगी 5x. यह है वन ईयर अगो. अब रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3. यानी कि रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की जो उनकी सैलरी की रेशियो है वो महेश के लिए है 2:3, और सुरेश के लिए जो है वो है 4:5. तो महेश के लिए क्या है, वो है 2:3, और सुरेश के लिए है 4:5. यानी कि अगर लास्ट ईयर उसकी सैलरी थी 2y, तो दिस ईयर उसकी सैलरी होगी 3y, और अगर सुरेश की लास्ट ईयर सैलरी थी 4y, तो इस साल उसकी सैलरी हो जाएगी 5y. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर यहाँ पे z कर देते हैं, लास्ट ईयर अगर उसकी सैलरी थी 4z, तो दिस ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 5z. और उसके बाद हमें बोला गया है कि टोटल सैलरीज फॉर देयर प्रेजेंट ईयर जो है वो है 43,000. सो हमें पता करना है कि प्रेजेंट सैलरी महेश की कितनी है. तो यहाँ पे जो है टोटल सैलरी, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो 3y और 5z को अगर हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 43,000. तो हमें पता करना है कि महेश का प्रेजेंट सैलरी, यानी कि महेश का प्रेजेंट सैलरी यानी कि 3y की जो वैल्यू है वो कितनी है. तो हमें यही पता करनी है. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3x और 5x को लिखने की जगह हम लिखते हैं इसको 12x और 20x, क्योंकि 12 by 20 जो है अगर इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 3s है और 4 5s है, तो ये 3:5 ही बन जाएगा. तो सपोज कर रहे हैं कि वन ईयर अगो जो है वो सुरेश की सैलरी थी 12x और महेश की सैलरी थी 12x और सुरेश की सैलरी थी 20x. अब देखिए, अब प्रेजेंट ईयर अभी जो है उनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो जो है वो है 2:3. तो यानी कि अगर लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की जो रेशियो है वो है 2:3, यानी कि उसकी प्रेजेंट ईयर की जो सैलरी होगी, महेश की जो प्रेजेंट ईयर की सैलरी होगी वो होगी 3/2 इंटू महेश की लास्ट ईयर की सैलरी. यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/2 इंटू 12x, जहाँ से मिल रहा है हमें 18x. तो यानी महेश की प्रेजेंट ईयर की सैलरी है, प्रेजेंट ईयर की सैलरी है 18x. सिमिलरली ये तो हो गई महेश की सैलरी. अब सिमिलरली सुरेश की प्रेजेंट ईयर की सैलरी हो जाएगी कितनी होगी, 5, क्योंकि उसकी रेशियो थी 4:5, यानी कि 5/4 इंटू 20x.
5/4 into 20x यानी कि 25x, यानी महेश की प्रेजेंट ईयर की सैलरी है 18x और सुरेश की प्रेजेंट ईयर की सैलरी है 25x। तो प्रेजेंट जो रेशियो हो गया, प्रेजेंट ईयर की उनकी जो रेशियो है वो है 18:25, ठीक है। और ये बोल दिया है कि इफ देयर टोटल प्रेजेंट सैलरी इज 43,000, यानी कि अब इनकी जो प्रेजेंट रेशियो है वो है, इनकी जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 18:25, प्रेजेंट रेशियो जो है वो है 18:25, और जो ओवरऑल टोटल सैलरी जो है वो बोल दिया है 43,000, यानी कि जो प्रेजेंट सैलरी ऑफ महेश जो होगी वो होगी 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 25, जो कि है 43 इंटू 43,000। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से जो आएगा वो होगा इक्वल्स टू 18,000, यानी कि महेश की प्रेजेंट सैलरी है 18,000। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास फेयर्स बिटवीन टू स्टेशंस आर द रेशियो ऑफ 10:8:3, है ना। अब जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास के जो फेयर्स है उनकी जो पैसे की रेशियो है वो है 10:8:3। अब द नंबर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास पैसेंजर्स बिटवीन टू स्टेशंस इन अ डे, अब ये तो है फेयर की रेशियो, ये तो हो गया फेयर की रेशियो। और अब हम जो है निकालेंगे किसकी रेशियो, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स की, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की अगर हम रेशियो निकालते हैं, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बिटवीन टू स्टेशंस इन अ डे वो है 3:4:10, है ना। तो अब देखिए फेयर हो गया ये और नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो गया ये, तो ओवरऑल सेल का जो रेशियो होगा वो होगा इनका कंपाउंड रेशियो जिसे कहते हैं। तो 3:10 जो हो गया 30:8:4 जो कि हो गया 32:3:10 यानी कि 30। तो ये जो हो गया, ये हो गया उनका सेल का रेशियो। अब ये बोल दिया है कि सेल ऑफ टिकट ऑफ टू पैसेंजर्स जो है वो ओवरऑल जो है वो है 8,050, जो ओवरऑल जो है वो है 8,050। तो फिर सेल ऑफ सेकंड क्लास टिकट कितना होगा, तो सेल ऑफ सेकंड क्लास टिकट जो होगा वो होगा 32 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 8,050। तो यहाँ से जो है अब 32 और 92 दोनों ही 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 23, और 23 से जब हम 8050 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो 23 इंटू 3 जो कि है 969। उसके बाद हम 23 से हम 8050 को डिवाइड करते, सबसे पहले 3 आएगा, 3 3 9 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया 115, यहाँ पे 5 करते 5 3 15 1 115, यानी कि यहाँ पे आएगा 350। अब 350 इंटू 8 करते हैं जो कि है इक्वल्स टू 4 इंटू 700, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू 2800, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो टोटल सेल है सेकंड क्लास टिकट का वो है 2800। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो है अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पेन अमंग 4 फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ दिस 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट अ पर्सन शुड हैव। अब पहले काम करते हैं फ्रैक्शंस को जो है हम नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम 3, 4, 5 और 6 का जो है एलसीएम निकालते हैं जो कि है 60, जो कि 60 है। तो अब 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3 है 20 इज टू
60 डिवाइडेड बाई 4 है 15 इज टू 60 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो है 12 इज टू यहाँ पे हो गया 60 डिवाइडेड बाई 10 तो 20 इज टू 15 इज टू 12 इज टू 10 तो इस तरह से रेशियो टूटेगा। अब इन चारों को अगर हम लेते हैं ये जो अब हमें क्या करना है इन चारों का एलसीएम निकालना है मतलब 10 12 15 और 20 इन चारों का एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम हमें मिलेगा वही होगा। तो अगर हम 3 इन चारों का एलसीएम सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट अ पर्सन शुड हैव हमें इन चारों को जो है अब हमें ऐड करना है यानी कि 20 15 12 और 10 को जो है हमें ऐड करना है तो 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे 2 3 4 57 तो अगर हमारे पास टोटल 57 पेंस होंगे तो वो जो है इस तरह से 20 15 12 और 10 ऐसे टूट जाएंगे। हम पहले देख रहे थे कि ये 20 15 12 और 10 इनको हम किसी एक कॉमन फैक्टर से नॉट एलसीएम बट एचसीएफ निकाल रहे थे कि इनका कोई एचसीएफ है कि नहीं यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि नहीं लेकिन इन चारों का जो है कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं तो इस वजह से अब क्योंकि इन चारों का कोई हाईएस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन चारों को हम सिंपली ऐड करेंगे और जो एडिशन में जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पेंस। तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले जो हमारी फ्रैक्शंस है इन चारों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है और इन एलसीएम जो निकाला उससे जो है हमें डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर देना है तो फिर हमें चार नंबर्स मिल जाएंगे। हमें चेक करना है कि इन चार जो हमें नंबर्स मिली है उनका एचसीएफ जो है वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इनको डिवाइड करना है ताकि हमें चार नंबर्स मिल जाए फिर उन चार नंबर्स को हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने 20 15 12 और 10 को ऐड किया तो हमें जो है हमारा आंसर मिल गया जो कि है 57। तो द मिनिमम नंबर ऑफ पेंस जिसकी हमें ज़रूरत है वो है 57 नंबर्स। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ थ्री नंबर इज 532 द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड एज आल्सो द सेकंड टू द थर्ड इज 3:2 यानी कि अगर फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर दिस इज इक्वल्स टू जो है रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड एज आल्सो टू द सेकंड टू द थर्ड यानी कि सेकंड इज टू थर्ड जो नंबर है वो है इक्वल्स टू जो है 3:2 यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड जो है वो भी है इक्वल्स टू 3:2 और यानी कि हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस है वो है इक्वल्स टू 3:2 और एस इज टू टी जो है वो भी है इक्वल्स टू 3:2 तो फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड जो है वो है इन द रेशियो ऑफ 9:6:4 क्या है रेशियो 9:6:4 ये है इन तीनों का रेशियो यानी कि अगर फर्स्ट नंबर है 9x सेकेंड नंबर होगा 6x और थर्ड नंबर होगा 4x। अब बोल दिया है इन तीनों का स्क्वायर जो है वो है इक्वल्स टू 532 यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 का स्क्वायर जो है 81y प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो है 36y 81x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 4 16x स्क्वायर ये है इक्वल्स टू 532 तो ये हमने पकड़ लिया। तब यहाँ पे जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा 81 प्लस 36 प्लस 16 जो है वो है 133x स्क्वायर वो है इक्वल्स टू 532 यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है 532 डिवाइडेड बाय 133 जो है इक्वल्स टू 4 यानी x की जो वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 2 यानी कि जो सेकंड नंबर है वो है 6:2 यानी कि 12 यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी
6 × 2 जो कि है 12, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है वो है, अ प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 times द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। यानी कि अगर प्राइम कॉस्ट अगर हो जाता है एक्स, 3x अगर हम पकड़ते हैं, तो फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा एक्स। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 5:12। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 5:12। रॉ मटेरियल और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज कर रही है इन द रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो हो रहा है, ये भी जो प्राइम कॉस्ट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ही बेसिकली है, जो कि है 4:5। तो फिर अब आर्टिकल फॉर्मली कॉस्ट कर रहा है, ये जो प्राइम कॉस्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो प्राइम कॉस्ट जो है ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लस रॉ मटेरियल सब मिला के, मतलब ओवरऑल कॉस्ट जो है जो मटेरियल का, ये वो है 3x जो कि है रॉ मटेरियल का 3 गुना। अब हमें बोल दिया है कि द आर्टिकल विच ओरिजिनली कॉस्ट ₹6 विल नाउ कॉस्ट, तो यानी कि पहले जो है जो हमारे 3x है वो है इक्वल्स टू 6, यानी कि हमारा x होगा इक्वल्स टू 2, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्टिंग होगा, रॉ मटेरियल का जो कॉस्टिंग है वो है ₹2। अब रॉ मटेरियल का अभी का जो कॉस्टिंग है वो जान लिया कि वो है इक्वल्स टू ₹2। अब देखिए, तो जो रॉ मटेरियल का जो ओल्ड कॉस्टिंग है वो है ₹2, तो रॉ मटेरियल का न्यू कॉस्टिंग कितना होगा? रॉ मटेरियल का न्यू कॉस्टिंग होगा 12/5×2, यानी कि 24/5, जो कि 24/5 है, यानी कि जो न्यू कॉस्टिंग है वो है इक्वल्स टू 24/5, जो कि है इक्वल्स टू 4.8। तो ये हो गई हमारी न्यू कॉस्टिंग किसकी, रॉ मटेरियल की। अब सिमिलरली जो प्राइम कॉस्ट जो है वो है रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलाकर। अब अगर प्राइम कॉस्ट है 6 और मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल कॉस्ट है 2, तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी वो होगी 6-2 यानी कि 4, यानी कि ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हो गई 4। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट न्यू वाली होगी वो होगी 5/4×4, यानी कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हो जाएगी, यानी कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हो जाएगी ₹5। तो अब ये आ गई न्यू रॉ मटेरियल कॉस्ट है 4.8 और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 5, तो ओवरऑल जो न्यू कॉस्ट है वो है 4.8+5 विच इज इक्वल्स टू 9.8। तो ये है ₹9.8 जो हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 containers ऑफ इक्वल वैल्यू, तो 3 containers ऑफ इक्वल वैल्यू उनकी ये रेशियो है, यानी कि पहला जो है वो 3x और 2x में टूटा, दूसरा जो है वो है 7y और 3y में टूटा, और तीसरा जो है वो है 11z और 4z में टूटा। अब ये बोल दिया है कि तीनों की जो कैपेसिटी है वो है इक्वल, यानी कि 3x plus 2x is equals to 7y plus 3y और it is equals to 11z plus 4z, 11z plus 4z। तो यहाँ पे 3×2 जो होता है, 3+2 होता है 5x हो गया, यहाँ पर जो है 7+3 जो है ये हो गया 10y और 11+4 जो है वो हो गया 15z। तो अब एक काम करते हैं, इनका अगर हम 5, 10 और 15 का जो LCM है वो है 30, यानी कि हम काम करते हैं, हम इन तीनों का एक कॉमन ले लेते हैं, P ले लेते हैं कॉमन,
तो अब देखिए 5 जब 30 में होता है तो इंटू 6 होता है, तो यानी कि 3 इंटू 6 18p प्लस 12p, 18p प्लस 12p इक्वल्स टू 6, यानी कि जो पहला वाला जो है उसमें जो रेशियो ऑफ मिल्क और 18p मिल्क है और 12p जो है वो है वाटर। अब दूसरा वाला जो है उसमें 21p जो है मिल्क है और 9p जो है वो है वाटर, और तीसरे वाले में जो है 22p मिल्क है और जो 8p जो है वो है वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया और ओवरऑल जो सभी में जो है वो 30p, मतलब कि ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो भी इक्वल हो गई। अब क्या है जो हमें इन थ्री कंटेनर्स आर मिक्स टुगेदर, यानी हम क्या हम करते हैं, हम इधर जो है दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 18 प्लस 21 प्लस 22, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 1 रहा 1 ऊपर में गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 21, 61 इधर हो गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे हो गया 29p। तो यानी कि ओवरऑल अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो है 61p और ओवरऑल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो है 29p, यानी कि जो रेशियो होगा वो होगा 61:29, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास टू बॉटल्स ऑफ, यहाँ पे जो है टू बॉटल्स है कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वाइन वाटर एंड एल्कोहल। फर्स्ट वाला जो है उसमें जो है वाइन की जो मात्रा है वो है वाइन वाटर और एल्कोहल की जो रेशियो है वो है 3:5:2, यानी फर्स्ट वाले में वाइन वाटर और एल्कोहल की जो मात्रा है वो है 3:5:2, और जो सेकेंड बॉटल है जो उसमें सिर्फ वाटर और वाइन है, यानी कि जो है अल्कोहल है ही नहीं, तो मैं वाटर और वाइन के जगह वाइन इज टू वाटर करती हूँ, जो कि होगा 4:5। देखिए मैंने उल्टा इसलिए है क्योंकि वाटर और वाइन के जगह मैं वाइन और वाटर लिख रही हूँ, तो वो है 4:5। तो अब अगर 1 लीटर ऑफ फर्स्ट एंड 2 लीटर ऑफ सेकेंड अगर मैं ऐड करती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो फिर नया फ्रैक्शन क्या निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 5, 6 और 5, 10, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 1 लीटर, यानी कि जो वाटर का अमाउंट होगा वो होगा 3/10, वाइन जो है 3/10 लीटर होगा, वाटर होगा 5/10 और एल्कोहल होगा 2/10, और यहाँ पर जो है 5:4 जिसका मुझे 2 लीटर्स करना है, यानी कि अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, 4:9 of 2 liter, यानी कि 8/9 है वाइन और 5/9 of 2 liter, यानी कि 10/9 जो है ये हो गया वाटर, यानी कि 8/9 है वाइन और 10/9 जो है इतनी अमाउंट है वाटर की, ठीक है। तो ये हो गया वाइन और वाटर की अमाउंट, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 लीटर्स। अब जो है इन दोनों को अच्छे से मिक्स हुआ है, तो चलिए अब वाइन वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं। तो वाइन वाटर और अल्कोहल को मिक्स करेंगे, यानी कि वाइन की जो अमाउंट थी वो थी 3/10, तो 3/10 और 8/9 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 90 आएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 80, तो 27 प्लस 80 यानी कि जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 7107/90। इतना जो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट है वाइन की। अब सिमिलरली अब नेक्स्ट टू को ऐड करेंगे तो बचेगा, अगेन बचेगा 90, यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10 100 और यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45 यानी कि 145/90। ये हो गया वाटर का प्रेजेंस और ये हो गया वाटर का प्रेजेंस और अल्कोहल का जो प्रेजेंस होगा ये वाटर का प्रेजेंस है और अल्कोहल का जो प्रेजेंस होगा वो वैसे तो 2/10 है तो अगर मैं इसको 90 करती हूँ तो 2 × 9 भी करूँगी यानी कि 18/90। तो ये हो गया। अब बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। अब एक काम करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को पहले ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 107 प्लस 145 प्लस 18। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 7 5 12 और 8 0 रहा, 2 पर मैं गया 4 5 6 7 270। तो यानी कि जो ओवरऑल जो अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो है 18/270। अगर दोनों को 9 से काट दूं तो बचेगा 2/30 यानी कि जो है वो है 1/15 यानी कि जो है 9 2 9 3 1/15 यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में जो अल्कोहल की जो फ्रैक्शन है वो है 1/15 लीटर्स। तो ये है जो है फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल यानी कि 1:15 पार्ट जो है इस पूरे मिक्सचर का अल्कोहल है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको प्रोपोर्शंस के बारे में और रेशियो के बारे में जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट सम्स करेंगे, उसके रिलेटेड जो है हम सम्स करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।